उत्तर प्रदेश में 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वो भी चलती ट्रेन में। जब माँ वॉशरूम के लिए चली जाती है तो रात में वो कर्मचारी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आपको बता दूं कि नव भारत रिपोर्ट के मुताबिक एक कर्मचारी जो कि 34 साल का होता है, उसका नाम प्रशांत बताया जा रहा है, वो फोर्थ कैटेगरी में कर्मचारी के तौर पर काम करता है। वहीं पर बिहार का एक परिवार बैठा होता है। माँ जब वॉशरूम के लिए जाती है तो बच्ची अकेली होती है। वहीं पर कर्मचारी मौका देखकर 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करता है। जब माँ वॉशरूम से आती है तो बच्ची सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद जब ये मामला सामने आता है तब उसे कई लोग मिलकर पीटते हैं उस कर्मचारी को। उसके बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस आती है, FIR दर्ज होता है, लेकिन देखते देखते उस कर्मचारी की हालत गंभीर हो जाती है। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद उसकी जान निकल जाती है, उसका दम टूट जाता है, उसे इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है। 9 साल की बच्ची के साथ ये यौन उत्पीड़न होता है। आपको बता दूं, ये बरौली से जा रही नई दिल्ली की ओर एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका नाम था हम सफ़र। इसमें लोग बैठे थे, बिहार वाले परिवार कर्मचारी बैठे थे। जब ये हादसा होता है, 9 साल की बच्ची के साथ जब ये हादसा होता है, तब एक चलती ट्रेन में होता है और रात का समय होता है। ये देखने को तो एक खबर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी, इसमें एक जागरूक आपको पार्ट देना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको अपने बच्चों को या तो बहुत कुछ सिखाना होगा, बैड टच गुड टच, जैसे उस 9 साल की बच्ची ने अपने माँ को बताया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली में नहीं बता पाते, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो सोचते हैं कि इसमें मेरी ही गलती होगी। तो ये खबर थी, ये बरौनी से जा रही दिल्ली की ओर ट्रेन थी जिसमें ये हादसा होता है, 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न होता है और उस कर्मचारी को इतना पीटा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या लोगों ने इसके साथ सही किया, क्या लोगों ने उस कर्मचारी के साथ सही किया, या फिर सीधे पुलिस को कॉल करना चाहिए था? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा।